फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू पैरालाइंस एंड ट्रांसवर्सल फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2 एंड योर चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल्स। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। नाउ व्हाट इज पैरालाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन? पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के लिए सपोज एक लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी अगर सेम है, सपोज 2 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट की दूरी भी अगर 2 सेंटीमीटर है, फिर हमने एक पॉइंट और लिया, यहाँ से भी एक पॉइंट और लिया ठीक उसके सामने का, तो उसकी दूरी भी अगर 2 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ये वाली लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि उनके पॉइंट्स की बीच की दूरी कितनी है, सेम आ रही है, बार बार 2 आ रही है, इसका मतलब सेम है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्सल? तो ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन है जब दो लाइन, सपोज ये 2 लाइन है, ठीक है, तो एक दूसरी लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रही है 2 पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है इन दोनों लाइन के लिए, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहेंगे हम? 2 लाइन, अगर ये 2 लाइन है और एक तीसरी लाइन उसे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि ये 2 लाइन है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये जो तीसरी लाइन है वो इन दोनों लाइनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर दे रही है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, एल लाइन, इस लाइन का नाम है एल, तो ट्रांसवर्सल लाइन है एल, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला एंगल। तो ये 2 लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो बाहर वाले एंगल कौन से होंगे, जो इस लाइन के बाहर साइड होंगे, ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 क्या है, इस लाइन के बाहर हैं, तो 1 और 2, तो एक्सटीरियर एंगल होंगे 1, 2, और कोई है, तो इस लाइन की अब हम बात करते हैं, तो इस लाइन के भी बाहर कौन से एंगल्स हैं, 7 और 8, 7 एंड 8, क्लियर स्टूडेंट्स। एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर के एंगल्स, तो ये लाइन है तो इसके बाहर के एंगल्स कौन होंगे, 1 और 2, फिर ये दूसरी लाइन है, इसके बाहर के एंगल कौन से होंगे, 8 और 7, ठीक। अब इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो ये लाइन और इस लाइन के बीच जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पर हम 3, 4 लिख सकते हैं, 3, 4, 3 छोटा है तो 3 को पहले लिख सकते हैं, 3, 4, 5, 6, इस लाइन और इस लाइन के बीच है, इसलिए उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर मीन्स बाहर का। अब बात आती है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस, जब ये 2 पैरेलल लाइंस है और इस पर ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, वहां क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेगा, जैसे 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर, 1 और 5 बराबर। इस साइड के लिए चलेंगे अगर, तो 2 और 6 क्या होंगे, बराबर, 2 और 6 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे 1 और 5 बराबर है, वैसे 2 और 6 भी बराबर होंगे। और अगर हम इंटीरियर और एक्सटीरियर में चलेंगे, तो 3 किसके बराबर होगा, 7, और 4 किसके बराबर होगा, 8, 4 होगा 8 के बराबर और 3 होगा 7 के बराबर, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ये हैं कि 1 और 5, एक बाहर का एक अंदर का, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, एक साइड का, एक साइड, ठीक है, इस साइड ट्रांसवर्सल लाइन की, इस साइड की बात कर रहे हैं हम। तो 1 5 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा, 6, ठीक है। तो वैसे 3 किसके बराबर होगा, 7, और 4 किसके बराबर होगा, 8, तो हमने लिख दिया। अब चलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर एंगल की बात करें, वो भी अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में क्या होता है कि इंटीरियर बोलेंगे तो अंदर का एंगल्स, अंदर का एंगल्स तो ये है, तो अल्टरनेट मीन्स हो गया ये 4 किसके बराबर होगा, 6, ठीक, अपोजिट साइड 4, 6 के बराबर होगा, तो 3 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो इसमें लिखेंगे 4, 6 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगलों की बात करेंगे, बाहर के एंगल कौन सा है, 1, 2 और 8 और 7 है। तो यहां पर देखिए एक्सटीरियर एंगल में 1, 7 के बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, इस 7 के बराबर, तो 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, 2 होगा 8 के इक्वल। तो ये आपने क्लियर समझ लेना है कि एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं वो भी अल्टरनेट के लिए, तो अपोजिट साइड लेना है, तो बाहर के एंगल्स तो यही है, तो
तो ये वन किसके बराबर होगा, सेवन के बराबर होगा, भार का एंगल, ये भी भार का है टू, तो ये भी भार का है एट, तो अपोजिट में इक्वल होते हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग में क्या होता है, एक भार का एक अंदर का इक्वल होता है, वो भी एक साइड का, तो वन किसके बराबर होगा फाइव, और टू किसके बराबर होगा सिक्स। ठीक है, तो वैसे हम थ्री किसके बराबर बोलेंगे सेवन, फोर किसके बराबर बोलेंगे एट। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल मैंने बताया, तो फोर सिक्स के बराबर होगा, थ्री फाइव के ठीक अपोजिट, यानी कि फोर सिक्स के इक्वल, थ्री फाइव के इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से कहते हैं। नाउ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट होते हैं। अब देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये एंगल्स आ रहे हैं थ्री फोर फाइव सिक्स, तो एक साइड के एंगल्स यानी कि फोर और फाइव, अगर हम फोर और फाइव को जोड़ेंगे तो आपका 180 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर हम फोर और फाइव एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसी प्रकार हम इस साइड की अगर बात करते हैं तो थ्री और सिक्स को जोड़ेंगे तो, थ्री और सिक्स को जोड़ेंगे तो वो भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इंटीरियर एंगल में वन साइड के एंगल्स, अगर ट्रांसवर्सल लाइन ने उसे कट किया है तो हम ये कह सकते हैं फोर और फाइव को जोड़ के 180 आएगा, एंगल फोर एंगल फाइव को जोड़ के। ठीक है, एंगल का नाम हमने फोर और फाइव दिया हुआ, यहाँ पे इस साइड के लिए भी थ्री और सिक्स को 180 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इन सभी का यूज हम एक्सरसाइज 6.2 में करने वाले हैं। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और ये सी डी जो लाइन है पैरेलल है एक दूसरे के, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहां से आप क्या x की वैल्यू बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम लिखेंगे, लिखने से पहले हमें यहां पर देखना होगा। अब देखिए एक सीधी लाइन है, यहां पर एक सीधी लाइन है और ये एक लाइन है उस पर कट कर रही है, तो ये दो भागों में टूट रही है, एक x में और एक 50 डिग्री में। अगर आप इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से, तो यहां पर देखिए एक लाइन है, ये लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका इस टाइप का दिखा रहा होगा, यहाँ पर 50 डिग्री दिखाएगा, यहाँ पे x दिखा रहा है। अगर हम इतना ही पार्ट बनाते हैं तो आपको पता है कि ये लीनियर क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है कि अगर हम x और 50 को जोड़ें तो कितना आता है, 180 आता है, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी लाइन हमें मिल रही है। देख लीजिए एक सीधी लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब हम x और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180, और वो क्या है, लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे निकाला हमने, ये लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हम क्लियर देख रहे हैं, ये सीधी लाइन है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 50 को इस साइड लाना होगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 180 तो अपनी जगह पर रहेगा, 50 इधर आ जाएगा तो माइनस 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था, इधर आने पे माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 130 डिग्री आपकी क्लियर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ अब आपने y की वैल्यू चाहिए आपको, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर देखिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो 130 किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं y की वैल्यू, दूसरी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि x किसके बराबर होगा, y के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल किस में, अल्टरनेट एंगल्स में। मैंने आपको पढ़ाया है कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी, y के बराबर, और x की वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री। जब x 130 है तो y भी कितना होगा, 130। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो मैं फिलहाल ऐसे निकाल रहा हूं कि y इक्वल्स टू 130 डिग्री, और यहां पर लिख दूंगा मैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से हमने लिख दिया कि y की वैल्यू 130 है, x की वैल्यू 130 है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि x और y की वैल्यू कितनी है, 130 है, और ये हमें कहां से भी मिल सकता है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कह सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब यह है कि ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। इसका मतलब ये तो है कि ए बी सी डी के पैरेलल होगा, जब एक्स और वाई इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल एक दूसरे के, क्योंकि मैंने पैरेलल में आपको बता दिया कि दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये और ये एंगल इक्वल होते हैं इंटीरियर में, और वही हमको मिल रहा है कि एक्स वाई के बराबर है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी,
अगर हम कहते हैं कि ए बी सी डी के पैरल है, यानी कि ए बी और सी डी पैरल हो गए, और साथ में दिया हुआ है कि सी डी ई एफ के पैरल है, सी डी ई एफ के पैरल है, यानी कि ए बी इसके पैरल है और ये इसके पैरल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी भी किसके पैरल होगा, ई एफ के होगा, ठीक है। ये पैरल है इसके और ये पैरल है इसके, तो इसका मतलब ये भी और ये भी क्या होंगे, आपस में पैरल। तो हम लिखेंगे ए बी इज पैरल टू सी डी, क्वेश्चन दे रखा है, सी डी इज पैरल टू ई एफ, दिस इंप्लाइज दैट, हम ये कह सकते हैं कि ए बी भी किसके पैरल होगा, ई एफ के, क्लियर। अगर ए बी ई एफ के पैरल है तो ये x किसके बराबर होने वाला है, ये और ये पैरल हैं तो ये x किसके बराबर होने वाला है, z के बराबर, ठीक है, x इक्वल टू z क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको पढ़ाया कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये x किसके बराबर होने वाला है, z के बराबर होने वाला है, क्योंकि ए बी और सी ई एफ की हम बात कर रहे हैं। अब एक चीज आपको और पता है कि जब दो लाइन है और तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों इंटीरियर एक साइड के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल मैंने भी पढ़ाया आपको। तो इसका मतलब क्या है, x और y को जोड़ेंगे एंड x और y को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 180 डिग्री, आप लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। साथ में हमें एक चीज और दे रखी है यहां पे कि वाई रेशियो 7, वाई रेशियो 7 मीन्स वाई रेशियो जेड मीन्स होता है वाई बाई जेड, यानी कि 3/7, ठीक है, वाई अपॉन जेड करेंगे तो 3/7 करेंगे। जब रेशियो में दिया होता है तो हम अपने तरफ से इसके पीछे वेरिएबल ले लेते हैं, तो सपोज हमने इन दोनों के पीछे क्या ले लिया, ए ले लो, दोनों के पीछे ए ले लिया मैंने, तो वाई आपको कितना दे रखा है 3a और जेड भी आपको कितना दे रखा है 7a, ठीक है, ये आपको दे रखा है, क्लियर हो गया, वाई आपको 3a, जेड आपको 7a। अब देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, आपको इतना समझ गए होंगे। अब x बराबर जेड है, यानी कि x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, जेड, तो हम x के जगह पे हम जेड रख सकते हैं, अब प्लस y है इक्वल में 180 डिग्री है, क्लियर। अब z की वैल्यू कितनी है, 7a, तो z के जगह पे हमने 7a रखा, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3a, इक्वल में कितना है 180 डिग्री, 7 और 3 को जोड़ा तो हमने 10 आ गया, और a का a, 7a प्लस 3a कितने a हो गए, 10a हो गए, तो 180 डिग्री। फिर देखिए a इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन 10, ये 10 अपॉन में चले जाएगा, 10 से इसको कट कीजिए तो a की वैल्यू आ रही है 18 आ रही है, 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 18 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y इक्वल टू जब फॉर्मूला था 3a, तो इसे हम कह सकते हैं 3a की जगह पर हम 18 रख देंगे, ठीक है, तो ये फिलहाल कितने आना रहा है, 3 को 18 से इंटू करेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, ठीक है, और z की वैल्यू कितनी आ रही है, 7a, तो z इक्वल टू 7a आपके पास दिया हुआ है, और a की जगह पे a की वैल्यू रखिए तो a की वैल्यू 18 है, 18 रख दिया हमने, तो 7 को 18 से इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 126 डिग्री, ठीक है, तो y आपका इतना आ चुका है और z आपका 126 डिग्री आ चुका है, ठीक है, तो z की जगह पर आपका कितना आ गया, 126 डिग्री। तो आपको पता है कि x और z आपस में क्या है, इक्वल है, x और z आपस में इक्वल है, लिखेंगे सिंस x और z आपस में इक्वल है और z की वैल्यू तो कितनी आई है, 126 डिग्री, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी तो 126 डिग्री होगी, ये 126 है तो ये x भी 126 होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल दिए हुए हैं, लिखा हुआ है कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये मार्क किस चीज का है, परपेंडिकुलर, यानी कि ई एफ क्या है, सी डी खड़ी है किस पे, सी डी पे, तो ई एफ ये लाइन है ये किस पे खड़ी है, सी डी पे, सी डी खड़ी है, यानी कि यहां पर कितना डिग्री बन रहा है, 90, इस साइड को भी हम यही कह सकते हैं कि यहां पर भी 90 बन रहा है, यहां पर भी 90 बन रहा है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सीधी खड़ी है वो, तो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फिर ए बी और सी डी पैरेलल है ना, ए बी और सी डी पैरेलल है, इसका मतलब जो ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी पे, यहां पर 90 बना रहा है, तो इसका मतलब यहां पर भी 90 बनेगा, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है, इतना आप समझ गए। अब दे रखा कि जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी यानी कि ये कितना दे रखा है 126 डिग्री, जी ई डी तो इतना हो गया 126 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले आपने ए जी ई निकालना है, ए जी ई यानी कि ए जी मतलब ये ए जी ई ये निकालना है आपने। तो कैसे निकालेंगे आप, तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंगल जी ई डी आपको कितना दे रखा है 126 डिग्री, और यहां पर दे रखा है कि ए बी क्या है पैरेलल है सी डी के, और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इतना आपको क्लियरली दे रखा है। आपने निकालना है ए जी ई, तो हम लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होती है पैरेलल होती है, तो ये इंटीरियर एंगल ये और ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, इस टाइप का है, ये इस टाइप का है कि नहीं, ये वाला ये है ये वाला ये है कि नहीं। तो यहाँ पर 126 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर क्या आपको वैल्यू निकालनी है, तो ए जी किसके बराबर होगा जी ई डी, और जी ई डी कितना है 126 डिग्री। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर से आपको ए जी कितना मिल चुका है 126 डिग्री आपको मिल चुका है, क्लियर। अब आपने निकालना है जी ई एफ, तो जी ई एफ कहां पे है, जी ई एफ आपका ये है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि जी ई एफ यानी कि इतना पार्ट को अगर हम जोड़ दें तो कितना आता है 126 डिग्री, क्योंकि पूरा का पूरा 126 है। तो हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री, ये आपको क्लियरली दे रखा है कि जी ई डी आपको 126 दे रखा है, दे रखा कि नहीं, पूरा का पूरा 126 आपको दिया हुआ है। तो हमने लिखा कि ये भाई ये एंगल और ये एंगल को जोड़ा है हमने, तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ा तो हमें पूरा का पूरा एंगल मिलेगा, अब पूरा का पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री। यहां पर आपको एक चीज और पता है कि एफ ई डी कितना डिग्री बना रहा है 90, यहां पर 90 डिग्री बना रहा है, तो एफ ई डी कितना बना रहा है यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, और आगे का जी ई एफ वैसे रहने वाला है इक्वल में 126 डिग्री। तो फिर जी ई एफ की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो 90 उधर चले जाएगा, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री एंड यू गेट जी ई एफ इक्वल्स टू 36 डिग्री। यहां पर आपको लिखना भी होगा कि एंगल एफ ई डी कितना है 90 डिग्री, ठीक है, वो हमें यहां पैरेलल से परपेंडिकुलर से मिल चुका था। अब हमने तीसरी वैल्यू क्या निकालनी है, एफ जी ई, एफ जी ई अब आपने ये निकालना है, एफ जी ई निकालना आपने, तो ये कैसे मिलेगा, तो आपको पता है यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होने वाला है 180 डिग्री, ये पूरा का पूरा 180 होने वाला है, नहीं होना, तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल यानी कि एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमने ये एंगल और ये एंगल को जोड़ा तो 180 डिग्री, पर आपको पता है ए जी कितना है, अभी आपने ए जी कितना निकाला है 126 डिग्री, तो यहां पर हम 126 डिग्री लिख सकते हैं, और एफ जी ई वैसे रहेगा, यहां पर 180 डिग्री हो जाएगा। जब आप एफ जी ई की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री ये 126 डिग्री इधर आ जाएगा माइनस में, ये प्लस था इधर आने पर माइनस हो जाएगा, तो यहां पर से आपको एफ जी ई कितना निकलने वाला है 54 डिग्री। तो आपने सारे के सारे निकाल दिए हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फोर्थ क्वेश्चन, इफ पी क्यू एंड एस टी आर पैरेलल, तो ये पीक्यू लाइन है, पीक्यू लाइन, ठीक है, तो ये पीक्यू लाइन है और ये एसटी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, यानी कि अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच में सारे पॉइंट्स आपस में क्या होंगे इक्वल्स होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि पीक्यू और एसटी लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे पीक्यू इज पैरेलल टू एसटी एंड पीक्यूआर आपको कितना दे रखा है 110 डिग्री, पीक्यूआर आपको दे रखा है पीक्यूआर यानी कि, और आपको दे रखा है आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, ये भी आपको दिया हुआ है,
कि आर एस टी 130 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है, क्यू आर एस, क्यू आर एस, यानी कि ये आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। तो कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे, तो आपको हिंट भी दी हुई है यहाँ पे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, यानी कि आर इस पॉइंट से आप एक क्या खींचो, पैरेलल लाइन खींचो, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचेंगे जो इसके पैरेलल होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पी क्यू के भी वो पैरेलल ही होने वाली है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो जो भी लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे वो इसकी भी पैरेलल होगी और इसकी भी पैरेलल होगी। तो इस टाइप का हमने एक्स वाई लाइन खींच दिया आर के थ्रू, तो ये क्वेश्चन कहा था हमने कर लिया है। अब हम जानते हैं कि जब पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल होंगे, पी क्यू और एक्स वाई जब आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि पी क्यू और एक्स वाई भी तो पैरेलल होंगे, तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। तो हम जानते हैं कि 110 डिग्री और यहां पर का जो एंगल होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया है कि जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो एक साइड के एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल कितना आने वाला है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल क्या, क्यू आर एक्स, क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां ब्रैकेट में लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हम क्यू आर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 180 डिग्री तो वैसे रहेगा, 110 डिग्री इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 70 डिग्री। तो आपको क्लियर मिल चुका है, 70 डिग्री आपको मिल गया है, ठीक है। तो ये आपका 70 डिग्री आ चुका है, क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब इस साइड हम चलते हैं, तो एस टी भी किसके पैरेलल होगा, एक्स वाई के पैरेलल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे एस टी इज पैरेलल टू एक्स वाई, सो इधर भी क्या होगा, 130 डिग्री, और ये वाला एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आने वाला है। 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, एस आर वाई। तो एस आर वाई की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 180 डिग्री, तो 130 इधर आ जाएगा, तो माइनस 130 डिग्री हो जाएगा, तो यहां पर से एस आर वाई आपका कितना आने वाला है, 50 डिग्री। इसमें भी हम लिख देंगे किसके थ्रू निकला है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इतना आप समझ गए आप कि जब क्वेश्चन ने कहा कि एस टी के पैरेलल खींचना भाई एक्स वाई को, तो ये अगर इसके पैरेलल है तो पी क्यू भी इसके पैरेलल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये और ये आपस में पैरेलल है, तो सभी आपस में पैरेलल हो जाएंगे वो, ठीक है। तो उसके थ्रू हमें पता है कि एक साइड के जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो फिलहाल ये कितना आ गया आपका, 50 डिग्री आ चुका है। अब आप जानते हैं कि एक्स वाई क्या है, लाइन। देखेंगे एक्स वाई इज अ लाइन। अब ये लाइन है अगर, तो यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये पूरा का पूरा एंगल होने वाला है, और वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल कितना बनता है, 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्यू आर एक्स यानी कि ये एंगल प्लस क्यू आर एस यानी कि ये वाला एंगल प्लस एस आर वाई यानी कि ये एंगल, इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे, इसको इसको इसको, तो एक पूरा का पूरा एंगल मिलेगा, वो बनेगा 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री बनता है। तो इस टाइप हो गया, क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री है। क्यू आर एस की वैल्यू कितनी है वो हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और एस आर वाई की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। तो यहाँ पर हम 50 डिग्री लिखेंगे इक्वल्स में 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम 70 और 50 को जोड़ देते हैं, तो आपका आएगा 120 डिग्री, प्लस में क्या है, क्यू आर एस आपका वैसे रहने वाला है, इक्वल्स में क्या है, 180 डिग्री। फिर आपने क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी, तो 120 इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस क्या होगा, 120 डिग्री, ये इधर आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका 60 डिग्री आ गया, और ये आपको निकालना था क्यू आर एस, तो आपको कितना आ गया, 60 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। यहाँ पर देखा है ए पी क्यू इज 50 डिग्री, ए पी क्यू यानी कि 50 डिग्री देखा है, और पी आर डी 127 डिग्री, पी आर डी ये आपको 127 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए पी क्यू क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, और यहाँ पे पी आर डी इक्वल्स टू
127 डिग्री आपका है। क्लियर, आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो यानी कि यहाँ पर आप देखिए, अगर पैरेलल हैं तो मैं ये वाली लाइन बना रहा हूँ, पी आर वाली लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, पी आर वाली लाइन बनाई मैंने, और ए बी और सी डी यहाँ पर है आपके पास, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये पी आर वाली लाइन मैंने बनाई। तो आप जानते हैं कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसे कहते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो किसके बराबर होने वाला है, इसके बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री, यानी कि पूरा का पूरा एंगल कितना है, 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई था ये पूरा का पूरा एंगल, इक्वल किसके इक्वल होने वाला है, 127 डिग्री के। तो यहाँ पर आप थियोरेटिकल में भी लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, ये आप लिख सकते हैं जहाँ से आपको 50 प्लस वाई मिला है। अब देखिए, आपने वाई की वैल्यू निकालनी है तो 50 को इस साइड लाना होगा, तो 127 डिग्री में से 50 डिग्री क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू मिल रही है तो 77 डिग्री आपको क्लियर मिल जाएगी, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू तो हमें मिल गया, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक और चीज़ आपको, एक और फिगर बना के दिखाता हूँ कि ये आपकी ए और बी लाइन है और ये आपकी सी और डी लाइन है, ये बना दिया मैंने और ये बना दिया मैंने। और अगर मैं सिर्फ पी क्यू को ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ पी क्यू को अगर मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर भी आप क्या जानते हैं कि अगर ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यानी कि कौन कौन से एंगल इक्वल होने वाले हैं, एक ये और एक ये एक्स इक्वल होने वाला है। तो हम लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो 50 डिग्री इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये आपका आ चुका है कि 50 डिग्री और एक्स आपस में बराबर होंगे इसके थ्रू, ठीक है। यहां पर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।